ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज़। इसके पहले भी हम सुपर कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से कि हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे एनर्जी गैप को। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एनर्जी गैप है सुपर कंडक्टर्स में, ये 2 डेल का होता है और ये एग्जिस्ट करता है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ठीक बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ से डेल डिफरेंस रहता है, यहाँ से डेल डिफरेंस रहता है, इसीलिए ये 2 डेल का होता है। तो एनर्जी गैप का जो एग्जिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये होता है कि फोटोन जो है, जिसकी एनर्जी कम होगी गैप एनर्जी से, ऐसे फोटॉन्स जिनकी एनर्जी गैप एनर्जी से कम होगी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सारे के सारे फोटॉन्स जो भी इंसिडेंट होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेटल के लिए इम्पीडेंस मिसमैच होता है बाउंड्री पे, वैक्यूम और मेटल के बीच में। लेकिन अगर हम बहुत पतली फिल्म की बात करें, अगर हम बात करें कि बहुत थिन फिल्म है, तो फिर ज़्यादातर जो फोटॉन्स है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, नॉर्मल स्टेट की अपेक्षा। ठीक, तो जो फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी कम है, जैसा हमने कहा कि एनर्जी जिनकी कम है गैप एनर्जी से, ऐसे फोटॉन्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है सुपर कंडक्टर की, वो वैनिश हो जाएगी या वो ज़ीरो हो जाएगी, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। टी लेस देन टीसी की अगर हम बात करें, तो जो रेजिस्टेंस है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, उसका एक शार्प सा थ्रेशोल्ड होगा गैप एनर्जी पे। ठीक है, रेजिस्टेंस का। तो जो फोटॉन्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी कम है, जिनकी एनर्जी कैसी है, काफ़ी कम है, वो एक ऐसा सरफेस देख रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक, और जो फोटॉन्स इससे ज़्यादा एनर्जी के हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, वो फोटॉन्स एक ऐसा सरफेस देख रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मल स्टेट के काफ़ी पास है या नॉर्मल स्टेट के ही जैसा है, क्योंकि ऐसे फोटॉन्स जो हैं ये ट्रांजिशन कर पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले प्रोटॉन्स फोटॉन्स ही जो हैं वो ट्रांजिशन कर पाएंगे अनऑक्यूपाइड नॉर्मल लेवल में, जो कि गैप के उस पार है, गैप के ऊपर ट्रांजिशन कर सकते हैं ऐसे वाले फोटॉन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा है गैप से। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो गैप जो है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है फोटोन की, जिनकी एनर्जी गैप एनर्जी से कम है, अब वो ज़ीरो नहीं हो पाती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं हो पाती है ऐसे फोटॉन्स की जिनकी एनर्जी गैप एनर्जी से लेस है, लेस देन गैप एनर्जी। ज़ीरो फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है ज़ीरो फ्रीक्वेंसी में, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, जिनको थर्मली एक्साइटेड किया जा चुका है गैप्स एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दे करके। और फाइनाइट फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फाइनाइट फ्रीक्वेंसी में जब फ्रीक्वेंसी आपकी होगी फाइनाइट, तब क्या होगा कि जो इनर्शिया सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का, वो उनको रोकेगा कि पूरी तरह से वो स्क्रीनिंग ना कर पाए, मतलब स्क्रीनिंग करने से रोकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्क्रीन करने से रोकेगा, ताकि जो थर्मली एक्साइटेड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो 2 डेल है, एनर्जी गैप है, हम उसी की बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा, उससे कम एनर्जी होगी फोटोन की तो क्या होगा। 2 डेल जो है वो लगभग होता है 10^-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये करिस्पॉन्ड करता है कि फोटोन जो है
वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसका वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालने के लिए न्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, न्यू इज इक्वल्स टू 2 डेल अपॉन h, और हमको पता है e इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है या एच सी बाई लैम्डा, तो c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 डेल अपॉन h, ये हम लिख सकते हैं। तो लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन 2 डेल, विच इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन 2 डेल एंगस्ट्रॉम, विच इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। तो इसको कैलकुलेट करने से वैल्यू आ रही है 1.24 × 10⁸ एंगस्ट्रॉम के, या दिस इज इक्वल्स टू 1.24 × 10⁻² मीटर के बराबर, या 1.24 सेंटीमीटर के बराबर। और ये जो वैल्यू है ये लाई करती है कहाँ पर, माइक्रोवेव रीजन में ये लाई करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो बैंड गैप है, गैप एनर्जी जो है, गैप एनर्जी की वैल्यू जो है, क्योंकि हमने गैप एनर्जी 2 डेल ले रखा है, सुपर कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको लेकर के अगर हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ कितने का वो ले सकता है, तो फिर वहाँ पर हमको जो भी वेवलेंथ की वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, माइक्रोवेव रीजन में वो एग्जिस्ट करती हुई हमको मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी आपका सुपर कंडक्टर है उसमें जो आपका वेवलेंथ होगा वो माइक्रोवेव रेंज का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।